जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सभी? बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि माँ बालाजी चालीसा कैसे करनी चाहिए, प्लीज आप दो उसी के बारे में बताने आई हूँ आज। बालाजी चालीसा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम धर्म होते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमे होगी आज क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मुझे शनिवार के दिन घाट जाना होता है तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब है, बस मौसम की वजह से और सेवा में थी माई की वजह से, और कुछ नहीं है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताना, या वॉइस में कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही हो तो वो भी चीज़ बता देना, ठीक है। कमेंट में ज़रूर मैसेज करना इस चीज़ के लिए। रही कि मैं अपने एक्सपीरियंस दूंगी कि मैंने कैसे किया है, मैं कैसे करती हूँ, मैं वही चीज़ आपको बता सकती हूँ। दूसरा कैसे करता है वो मैं आपको नहीं बता सकती। अगर मेरे से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जी वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कहीं कोई बीच में गलती हो जाए तो उसके लिए समय अच्छा पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। बाकी अब शुरुआत करते हैं जय माता दी बोल के चालीसा कैसे करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कि आप कितने दिन का संकल्प ले रहे हैं, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 31 दिन का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा कि आप घर में कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई पास में मंदिर हो तो उधर कर लो, बहुत अच्छा। तीसरा कि परहेज क्या होते हैं, तो परहेज ये होता है मीट, दारू, मच्छी, अंडा, लहसुन, प्याज, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, इनका परहेज होता है। और एक औरत के हाथ का खाना, मतलब औरत के हाथ का नहीं खाना खाना, आप जब खाना खाना अगर लड़का रख रहा है तो, ठीक है, लड़का रखता है तो औरत के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर औरत रख रही है तो जी पालन, आप वॉशरूम वगैरह जाते हो ना धोकर ही अपने लिए खाना बनाएं, ना धोकर ही मंदिर में दोबारा जाएं। अगर वॉशरूम जा रहे हो फिर उसके बाद नहाना ही आपका आपको होगा, कि आप सोचो कि मैंने क्या नाम है नहाने धोना नहीं है और खाना पीना बना लेना है, तो पहले आप नहा धो लो, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से रखनी होगी, ठीक है। दूसरा कि शाम सवेरे करें या क्या नाम है एक टाइम करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शाम सवेरे करना चाहते हैं या एक टाइम करना चाहते हैं। जोत किसकी जलेगी, जोत चमेली के तेल की जलेगी, सरसों के तेल की भी जल सकती है, तिल के तेल की भी जल सकती है, देसी घी की भी जल सकती है। बाबा को जो सबसे प्रिय है वो चमेली का तेल है, चमेली के फूल माला चढ़ती है बाबा पे, अगर आप वो चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाबा को इत्र चमेली का, मोगली का, जो सा भी आप चढ़ाना चाहते हैं इत्र आप कोई भी चढ़ाएं। आपके पास अब बाबा को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, बूंदी बहुत पसंद है, और आप कहोगे जी मेरे पास बूंदी के लड्डू और बूंदी के लिए पैसे तो है नहीं, बस मेरा भाव है कि मैं बाबा की चालीसा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास नहीं है, जो आप पे बन सके आप वो भोग लगाएं बाबा को। इसमें कोई नियम धर्म नहीं है कि आप बूंदी के लड्डू ही खिलाओगे, बूंदी के लड्डू दुनिया खिलाती है, बूंदी दुनिया खिलाती है, तुम्हारा दिल क्या बोलता है, तुम्हारे भाव क्या बोलते हैं, तुम वो खिलाओ ताकि बाबा भी बोले कि दुनिया तो ये खिलाती है, मेरा बेटा ये लाता है मेरे लिए, अपने भाव से चलो जी। अगर नहीं है कुछ बनाने के लिए भी और आपके पास एक लौंग का जोड़ा ही है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई ये नहीं है कि नहीं मैं यही भोग लगाना है, नियम है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो आपका दिल करे, जो आपके भाव करे, आप वो बाबा को मीठे में भोग लगाएं, मीठा भोग लगता है, मीठा भोग लगाएं। बस एक चीज़ का याद रखें कि बाबा ब्रह्मचर्य का पालन मांगता ही है, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, अपने जीवा से किसी को गलत ना बोलें, गंद ना बोलें, किसी पे गंदी निगाह ना डालें, किसी की बुराई ना करें, ठीक है, किसी के लिए गंदे भाव ना लाएं, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बहन बेटी को बहन बेटी की तरह की निगाहों से देखें। जब आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का नियम रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर औरत कर रही है तो, मेरे से किसी ने पूछा था, मेरी ही शिष्य थी कि माँ औरत कर सकती है, हाँ तो बेटा औरत कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
बाबा सबका है, बाबा ये नहीं कहता कि औरत करेगी आदमी करेगा, कोई भेदभाव नहीं होता भगवान के दर पे, भेदभाव ये इंसान करते हैं भगवान नहीं करता, ठीक है, आप कर सकते हो उसमें कोई वो नहीं है। एक चीज का याद रखना, जैसे मैंने किया है मैं वही बताऊंगी, कि आदमी जब कर रहे हो तो औरत के हाथ का खाना ना खाएं, औरत के हाथ का पानी ना पिए, आप खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। क्योंकि देखो जब आप औरत के हाथ का खाते हो, वो औरत उस टाइम पे 1000 बार वॉशरूम जाना होता है, दिन में 1000 बार कुछ भी करना होता है, बहुत से काम होते हैं, बच्चे का, बच्चे जब एक औरत के पास बच्चा आ जाता है ना तो उसके बहुत से काम हो जाते हैं, आप समझने की कोशिश करना। तो बच्चा उसमें बहुत सी जगह हाथ जाते हैं, गंदे में भी जाते हैं अच्छे में भी जाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके ना कि आप थोड़ा सा नियम बनाएं और नियम के हिसाब से चलें, या अगर और नहीं मजबूरी है कि आप नहीं बना पा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जिस टाइम आपका खाना औरत बनाएंगी, आपकी बीवी हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे माँ हो, उनको उस टाइम नहाना होगा, धोना होगा, नहा धोकर नियम धर्म से आपका खाना बना के अलग हट जाना है, अलग हट के फिर वो कुछ भी करें, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ आप नहीं, अगर आपके लिए अनिवार्य है या आप कर सकते हो तो आप खुद ही बना के खाएं, और औरत जब औरत क्या नाम है चालीसा करेगी तो सुबह भी नहाएगी, सुबह नहा धोकर अपना जाप करना है तो सुबह नहा धोकर करें, अगर शाम को करना है जाप तो शाम को नहा धोकर करें, ठीक है, जैसे आपको चालीसा जब करनी है जब आप करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको शाम को ही चालीसा करनी है तो आप शाम को ही नहाएंगी धोएंगी, या शाम को सुबह भी नहाएंगी और शाम को भी नहाएंगी, नहाकर चालीसा जाप करेंगी, चालीसा करने के बाद चालीसा करेंगी, ठीक है, और नहा धोकर ही पवित्र होकर ही अपने लिए खाना बनाएं। ये इसी चीज के लिए नहीं है, पवित्र होकर ही सेवा करनी चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि आप सुबह नहा लेते हो, जोत बत्ती कर देते हो, फिर आप वॉशरूम वगैरह पूरे दिन में जाते हो, फिर उससे हाथ मुंह हाथ धोकर आप जोत बत्ती कर देते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। नहा लो, धो लो, नहा धोकर पवित्र होकर, एक पवित्र स्थान होता है वो, ठीक है, उसमें पवित्र होकर ही जाओ तो अच्छा। देखो जी, मैंने अपने एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर कर दिए कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस बीच कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दूसरा कि अगर मेरे से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जी वो आपकी प्रॉब्लम है, आप निपटो। आप लोग चिढ़ते रहो, मैं चिढ़ाती रहूंगी। बोल सच्चे दरबार की जय हो, जयकारा दिल्ली वाली कालका का जयकारा, माँ मरगट की कालका का बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा गुरुओं का मेरे, बोल सच्चे दरबार की जय।